लेमन ट्री હોટેલ્સ અમદાવાદમાં 52 રૂમની નવી હોટેલ સ્થાપવા જઈ રહી છે અને આના પર વધુ વિગત માટે લેમન ટ્રી હોટેલ્સ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પતંજલિ કેસવાની આપણી સાથે જોડાયા છે. સર, ગુડ આફ્ટરનૂન. ઓર પહેલે તો આપકો બહોત બહોત બધાઈ કે આપ એક ઓર હોટેલ ખોલને કો જા રહે હૈ ઓર વો ભી હમારે ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં. અમદાવાદમાં હી ક્યું ઓર ક્યા યે બિઝનેસ હોટેલ હોયેગા કે લીઝર હોટેલ હોયેગા? તો યે એક્ચ્યુઅલી ये सबरमती वाटर फ्रंट के बगल में है और सबरमती आश्रम के बगल में. तो ये इट विल बी अ बिजनेस होटल और साथ में लेजर होटल भी. और ये हमारा तीसरा होटल है अहमदाबाद में इन अ डिफरेंट लोकेशन. तो इट विल सर्व बोथ टूरिस्ट एंड बिजनेस ट्रैवलर्स. ओके. और कभी तक शुरू हो जाएगा? आई थिंक मैंने जो पढ़ा वो मार्च से आप शुरू करेंगे. हाँ, दिस इज ये तो अभी एक एग्जिस्टिंग स्टैंड अलोन अनब्रांडेड होटल है. उनका नाम है अंतरा और उनको हम रीब्रांड कर रहे हैं की सिलेक्ट और कई चेंजेस हो रहे हैं उस होटल में और मार्च मिड मार्च टू एंड मार्च तक खुल जाएगा. के अलावा आई थिंक स्टेट में आपके दूसरे चार भी होटल्स हैं तो आई थिंक ये एक एडिशन हो जाएगा अहमदाबाद में जो गुजरात का हब है. सर, दूसरा बताएंगे कि अभी बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या ओवरऑल आपको ऑक्यूपेंसी लेवल्स कैसे हैं? क्या आप प्री कोविड लेवल्स पे आ गए हैं? रेवेन्यू कैसा रहा है और आपके मार्जिन नंबर कैसे आपको मिल रहे हैं? तो रेवेन्यू हैज पिक्ड अप इस क्वार्टर में. तो अगर आप देखेंगे Q2 से Q3 तो Q3 आई थिंक पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत अच्छा है और चल रहा है. कैंसिलेशन ओमिक्रॉन के कारण अब तक बहुत कम है और वो भी लॉट ऑफ वो कैंसिलेशन डिफरमेंट्स हैं कि अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस है जनवरी में वो मार्च या अप्रैल को शिफ्ट हो रहा है. On overall basis, India average, I think we are at 90% of pre-COVID in occupancy, 90-95%. Rates भी बढ़ रहे हैं. तो मेरा विचार था, मैंने पहले भी कहा था कि Q4 में, assuming ये Omicron कुछ उनकी impact ज़्यादा ना हो, तो I think we'll be close to pre-COVID levels. पर margins का expansion होगा हमारे industry में क्योंकि हर एक hotel company ने काफी कॉस्ट कटिंग किया है ऑफ अ परमानेंट नेचर. तो ये जो कॉस्ट सेविंग्स उन्होंने किया है उसकी बेनिफिट अभी आएगी जब हमारी रेवेन्यू प्री कोविड लेवल्स पर आएगी. इवन इन लेमन ट्री मैंने पहले भी कहा है कि करीब 100-110 करोड़ की सेविंग है जो प्री कोविड से पोस्ट कोविड में वो बेनिफिट आएगा हमारे बॉटम लाइन को. जी, वो जो कॉस्ट कटिंग की है वो दिख रही है आपके नंबर्स में. लेकिन दूसरा जो आपने मेंशन किया कि ओमिक्रॉन का जो फियर है वो तो है अपने सारे बिजनेसेस पे सारे वर्ल्ड में है, लेकिन एक होप भी हम रख रहे हैं कि वो यहाँ इंडिया तक ना पहुँच पाए, लेकिन विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन क्या लग रहा है ओमिक्रॉन की वजह से आगे जाके बिजनेस को क्या अफेक्ट हो सकता है और उसके लिए आपकी कुछ तैयारियां हैं? तो वी हैव गॉट कोविड प्रोटोकॉल इन प्लेस हमारे सब होटल्स में अपने एम्प्लॉयज के लिए, हमारे गेस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए. तो वो तो कंटिन्यू हो रहा है. ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट अब तक जो यू नो वी हैव ऑल हर्ड, हमने सुना है कि उसकी इम्पैक्ट, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है पर सिवियरिटी कम है. तो उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की रेट्स विल नॉट बी वेरी हाई, ये अब तक हमें पता है. पर इट इज स्टिल वेट एंड वॉच. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, देयर वर अ फ्यू कैंसिलेशन एंड डिफरमेंट्स इन द लास्ट वीक, पर जो मुझे आगे दिख रहा है वो इट इज नॉट इंक्रीजिंग द कैंसिलेशन. तो इट सी आप आई एम श्योर ओमिक्रॉन विल एक्सपैंड इन इंडिया. अगर दुनिया भर में होगा तो इंडिया में भी होगा, पर इंडिया में सरकार ने इतनी वैक्सीनेशन की है कि आई एम होपफुल कि अगर स्प्रेड भी हो तो इट विल बी लाइक अ फ्लू स्प्रेड. जैसे यू नो नोबडी नॉट मेनी आई होप नॉट मेनी डेथ्स नॉट मेनी हॉस्पिटलाइजेशन. तो माई व्यू इज कि अगले एक महीने में हमें फुल नॉलेज होगा, बट इट
होपफुली विल नॉट इफेक्ट द होटल इंडस्ट्री डिमांड अदर देन जो हमें ऑलरेडी कैंसिलेशन हुए हैं, वो भी एक ही 1%, इट्स 1%।